यातायात माह के तहत ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार को गोलघर के काली मंदिर से अम्बेडकर चौक तक अभियान चलाते हुए नो पार्किंग में खड़े तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लगभग 200 वाहनों का चालान किया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह ने बताया कि सड़क के किनारे बेढंग और नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया गया है, जिससे महानगर से जाम को मुक्त किया जा सके। इस दौरान लगभग 200 से अधिक गाड़ियों का चालान किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात इंदु प्रभा सिंह ने कहा, कोई भी गाड़ियां खड़ी नहीं करेंगे। मल्टी मीडिया पार्किंग की सुविधा दे दी गई है, जो कि जलगल में है। गाड़ी आप वहीं खड़ी करेंगे, रोड पे कोई गाड़ी खड़ी नहीं करेंगे। हमेशा गाड़ी की चलान की जाएगी या तो गाड़ी उनके यार्ड में चली जाएगी। रोड पे कोई भी गाड़ियां खड़ी नहीं करेंगे। फोन में दूंगा रिक्शा रिक्शा ऑटो रिक्शा काली मंदिर से लेकर गोलगढ़ और उसके आगे अम्बेडकर चौराहे तक एक अभियान चलाया जा रहा है अतिक्रमण हटाने का भी, और जो गाड़ियां बेतरतीब खड़ी हुई हैं उनका चालान करने की, और अगर उनके ओनर मौजूद नहीं है तो उनको टो भी किया जा रहा है। तो ये देखने में आ रहा है कि ये सड़क के किनारे जो फल के ठेले लगा लेते हैं या छोटे मोटे आइटम्स लाते हैं स्नैक्स वगैरह के, और ये जो गाड़ियाँ बेतरतीब खड़ी करके लोग चले जाते हैं इधर उधर, उसकी वजह से काफ़ी जाम लगता है, जिससे आम जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसी के दृष्टिगत ये अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान लगातार चलता रहेगा, और हम कोशिश करेंगे कि जो यातायात व्यवस्था है गोरखपुर की उसको थोड़ा व्यवस्थित कर सकें। मैम, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई किया जा रहा है जो रोड के किनारे गाड़ी वहाँ, उनके खिलाफ चालान किया जा रहा है, और उनकी अगर गाड़ियाँ वहाँ पर ओनर्स मौजूद नहीं है तो उनको टो भी किया जा रहा है।